इतनी ज़्यादा अफोर्डेबल और इतनी ज़्यादा अच्छी प्रोडक्ट्स हैं कि ऐसी प्रोडक्ट्स आप लोगों को कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। कॉलर्स में इस तरीक़ों से ही बेसिस बना के तैयार कर ली जाती हैं, जब आपके क्लाइंट्स आते हैं तो उस पर अप्लाई कर ली जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ब्यूटी रिव्यूज़ विद फरियाल। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी इंस्टेंट पॉलर सीक्रेट ब्राइडल बेस या इंस्टेंट पॉलर सीक्रेट पार्टी मेकअप बेस, ग्लोइंग मेकअप बेस भी बोल सकते हैं इसको। पॉलर्स में ये बेस बना के रख ली जाती है, जब आपके क्लाइंट्स आते हैं तो उस पर अप्लाई कर ली जाती है, या फिर आप लोग झटपट से भी तैयार कर कर। इंस्टेंट पॉलर सीक्रेट ब्राइडल बेस जो होती है वो पॉलर्स में बना के रख ली जाती है, जिससे आप लोगों का टाइम भी बच जाता है और आप लोगों के प्रोडक्ट्स रिवील भी नहीं होते। तो यहाँ पर मेरे पास निविया का मॉइस्चराइज़र है, तो आप लोगों की अगर ड्राई स्किन है तो आप लोग निविया का मॉइस्चराइज़र ऐड कर लो, या फिर अगर आप लोगों की ऑयली स्किन है तो पाउंड्स का मॉइस्चराइज़र ऐड कर लो। ये मैं विंटर्स के लिहाज से ब्राइडल बेस आप लोगों को बता रही हूँ। अगर आप लोग ये वीडियो समर्स में देख रहे होगे तो आप लोग मॉइस्चराइज़र्स को स्किप कर देना और डायरेक्ट अप्लाई करना, बेस में मिला के, कस्टमाइज बेस में मिला के नहीं ऐड करना इसको। इंस्टेंट पॉलर सीक्रेट ब्राइडल बेसिस जो होती हैं वो ज़्यादातर पॉलर्स में बना के रख ली जाती हैं, ताकि उन लोगों के प्रोडक्ट्स रिवील भी ना हो और उन लोगों का टाइम भी बच सके। तो यहाँ पर अब मैं ऐड कर रही हूँ प्राइमर। तो यहाँ पर मेरे पास ग्लैमर्स का भी प्राइमर है और रिवाज यूके का भी प्राइमर है। तो आप लोग अगर पॉलर्स के लिए बना रहे हैं तो आप लोग ज़रूर इसमें प्राइमर ही ऐड करिएगा। अदरवाइज अगर आप लोग बिगनर्स हैं और ट्राई कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आप लोग इसमें एलोवेरा जेल भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले मैंने रिवाज यूके का जो है वो प्राइमर ले लिया है। अच्छा, ये निकल नहीं रहा, को ना सही से निकालती हूँ क्योंकि ये मेरा ऑलमोस्ट खत्म है। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने अपना मॉइस्चराइज़र और प्राइमर को जो है वो ऐड कर लिया है। तो इंस्टेंट पॉलर सीक्रेट ब्राइडल बेस बनाने के लिए नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा फाउंडेशन का। तो यहाँ पर मेरे पास स्टिक फाउंडेशन भी है, आप लोग इसमें कैरालॉन की टीवी पेंट स्टिक भी ऐड कर सकते हो। और यहाँ पर है मेरे पास मिस रोज़ की लिक्विड मैट फाउंडेशंस। तो अगर आप लोग समर्स में जो है बनाओ तो आप लोग स्टिक फाउंडेशन ऐड कर लो, अगर आप लोग विंटर्स में बना रहे हो तो लिक्विड फाउंडेशन अपना ऐड कर लो। लेकिन उसको मिलाने का और उसको लगाने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। अगर आप लोग लिक्विड बेस इस्तेमाल कर रहे हो तो पाउडर की मकदार ज़्यादा कर दोगे, स्टिक कंसीलर या फिर स्टिक फाउंडेशन ऐड कर रहे हो तो पाउडर की मकदार कम कर दोगे। तो अपनी ब्राइडल बेस बनाते हुए कस्टमाइज वाली इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो अब मैं अपनी कस्टमाइज बेस में इसमें ऐड कर रही हूँ कंसीलर। तो यहाँ पर मेरे पास एले गर्ल का कंसीलर है जो कि क्रीम फॉर्म में है, और मेरे पास यहाँ पर मिस रोज़ का कंसीलर है जो कि लिक्विड फॉर्म में है। तो मैं जो हूँ वो इसमें एले गर्ल का कंसीलर ऐड करूँगी, ये क्रीम फॉर्म में है। अच्छा, जब मैं आप लोगों की छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स बता रही होती हूँ तो आप लोग वीडियो पूरी देखा करें, गौर से देखा करें, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होती है और आप लोगों की बेस कभी भी फटेगी। पॉलर्स में और सैलॉन्स में आप लोगों ने देखा होगा कि उन लोगों की बेस बहुत ज़्यादा ग्लोई होती है, बहुत ज़्यादा शाइनी होती है और बहुत अच्छे सा उनका फाउंडेशन जो है ना ग्लो कर रहा होता है। तो वो लोग ऐड करते हैं अपनी कस्टमाइज बेस में हाइलाइटर। तो आप लोग बेस में आप लोग पाउडर हाइलाइटर भी ऐड कर सकते हैं और लिक्विड हाइलाइटर भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग पाउडर ऐड करते हैं तो आप लोग मिक्सिंग जो है वो बहुत अच्छे से करिएगा। आप लोग ऐसे क्रश करके डालोगे ना तो अच्छे से आप लोगों की मिक्सिंग हो जाएगी, और मिक्सिंग आप लोगों ने बहुत अच्छे से करनी है। तो अगर आप लोग ये वीडियो समर्स में बना रहे हो समर्स की ब्राइडल बेस के लिए, तो आप लोग इसमें पेन केक जो है ये वाला क्रश करके भी ऐड कर सकते हो, बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ पाउडर। तो यहाँ पर मेरे पास ई ट्यूट का पाउडर है जो कि बहुत ज़्यादा रिजनेबल और बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। तो अगेन यहाँ पर मैंने लिक्विड ऐड करा था, लिक्विड फाउंडेशन और लिक्विड जो है मैंने इसमें ऐड करा था कंसीलर। तो मैं यहाँ पर पाउडर की मकदार थोड़ी सी ज़्यादा रख रही हूँ। अगर तो मैं इसमें स्टिक फाउंडेशन या फिर स्टिक कंसीलर ऐड करती तो पाउडर की मकदार को जो है वो मैं कम कर देती। तो अब हमारा आ गया मेन इंग्रेडिएंट इंस्टेंट पॉलर सीक्रेट ब्राइडल बेस में, जो कि सैलून और पॉलर्स में यूज़ किया जाता है, वो है ये मैक का बेस। अच्छा, ये ओरिजिनल आपको कहाँ से मिलेगा, पेज का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। तो यहाँ पर मेरे पास शेड है आइवरी। तो आप लोग ये कस्टमाइज बेस बना के रखना चाह रहे हैं तो इसको क्रश करके आप लोगों ने अपनी बेस में कर देना है ऐड। और अगर आप लोग चाह रहे हैं कि सैलून जैसे ही मैं कोई क्लाइंट आए और मैं फ़ौरन से मिला लूँ थोड़ा थोड़ा करके, तो आप लोग ने यहाँ पर टाइम को बचाना है। तो और मैंने ब्रश लिया, थोड़ा सा पानी से गीला करा, इसको वेट किया, और यहाँ पर जो है वो मैं बेस अच्छे से पानी से मिला के मिक्स करके अपने मैक के बेस को और इसमें जो है अपनी कस्टमाइज बेस में ऐड कर दूँगी, और फ़ौरन से आप लोग ने मिक्सिंग कर लेनी है। तो अगर आप लोग ऐसे क्रश करके अपनी कस्टमाइज बेस में डालते हो तो आप लोगों ने थोड़ा सा जो है वो पानी में मिलाना है, हल्का सा बिल्कुल पानी लेना है ब्रश वाला, और उसकी मिक्सिंग जो है आप लोगों ने बहुत अच्छे से करनी है। अच्छा, मिक्सिंग जो है वो हमारी ब्राइडल बेस का मेन इंग्रेडिएंट्स होता है। अगर आप लोग मिक्सिंग अच्छी नहीं करते तो हमारी बेस जो है वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, फ्लॉलेस नहीं लगती,
फट जाती है, केकी हो जाती है। तो आप लोग ने इन सब चीज़ों का जो है ना वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैंने जो है वो मैक की बेस ले ली थी, अच्छे से पानी से इसको मैंने एक्टिवेट करके इसमें ऐड कर दिया है। यहाँ पर मेरी कस्टमाइज बेस के सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मैंने अच्छे से इसमें ऐड कर दिए हैं। तो अब मैं ऐड करूँगी मिक्सिंग। तो मिक्सिंग जब आप लोगों ने करनी है तो मिनिमम आप लोगों ने अपनी मिक्सिंग को टाइम देना है कम से कम 10 मिनट या 15 मिनट। तो यहाँ पर ये जो मैंने इंस्टेंट पॉलर सीक्रेट ब्राइडल बेस बनाई है ये मैंने फेयर शेड में बनाई है। अच्छा, इसकी भी ना एक वजह है, क्योंकि हम ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि डार्क कलर के लिए अलग बना लें, मीडियम के लिए अलग बना लें, फेयर के लिए अलग बना लें। हम लोगों का इतना ज़्यादा बजट नहीं होता, हम लोग इतना ज़्यादा अफोर्ड भी नहीं कर सकते कि इतने ज़्यादा जो हैं वो अपनी प्रोडक्ट अलग अलग अमाउंट्स में रख सकते हैं। अगर आप लोग बना के रखना चाहें तो आप लोग बना के रख भी सकते हैं। तो अगर आप लोग इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, इतना ज़्यादा अपने प्रोडक्ट को जो है वो स्टॉक करके नहीं रखना चाहते, तो आप लोग इसके लिए आप लोग एक काम कर सकते हैं। इसमें आप लोगों ने बस एक छोटी सी वाइज सी चीज़ ऐड करनी है, जिससे आप लोगों का शेड जो है ना वो फ़ौरन से चेंज हो जाएगा, जोन सी भी स्किन टोन के लिए आप लोगों को शेड बनाना है। तो यहाँ पर मैंने फेयर अंडरटोन के लिए शेड बनाया है। अगर आप लोग डार्क स्किन टोन के लिए या फिर मीडियम स्किन टोन के लिए बनाते हो तो इसका जो है इसकी एक मैंने चीज़ ऐड करनी है, जो मैंने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियोज़ में आप लोगों को बताई हुई भी हैं। आप लोग वो जाके वीडियो चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन पर शो भी हो रही होगी, नहीं तो आप लोग मेरे जाके पेज पे विजिट कर लीजिएगा, या फिर मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दे दूंगी। तो आप लोगों ने ये छोटी छोटी टिप्स जो होती हैं इसको अच्छे से फॉलो करना होता है। तो आप लोग इसमें मैं आप लोगों को ऐसे भी बता दूँ कि आप लोगों ने एक शेड ऐड करना होता है, जिससे हमारा जो फाउंडेशन का कलर होगा वो फ़ौरन से चेंज हो जाएगा, फेयर अंडरटोन में चला जाएगा या फिर मीडियम अंडरटोन में चला जाएगा, पिंक अंडरटोन में भी जा सकता है, येलो अंडरटोन में चाहिए तो आप लोगों का येलो अंडरटोन में भी जा सकता है। तो मैंने इससे ही ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि आप लोग कैसे इसको यूज़ करेंगे। तो ये हमारी नॉर्मली ब्राइडल बेस होती है, कस्टमाइज बेस होती है, जो कि बहुत ज़्यादा ग्लोई लगती है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मज़ीद अगर आप लोगों को और ज़्यादा ग्लो चाहिए तो आप लोग ऊपर से जो है ना हल्का सा हाइलाइटर भी लगा सकते हो, लेकिन आप लोग ने बिल्कुल हल्का सा लगाना है ताकि ग्लो करे हमारी बेस। आई होप यू लाइक माई वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।